夜に浮かんでいたクラゲのような月が爆ぜた。バス停の背を覗けばあの夏の君が頭にいる。हेलो दोस्तों, मैं हूँ एनमी को जो मैंने देखी शिकी। तो बेसिकली हिगुराशी के बाद मैं निराश हो गया था कि मुझे खोरे एनमी इस बार देखनी अच्छी, तो मैंने इस बार नेट को यूज़ किया। हर बार जब मैं एनमी देखता हूँ, मैं सिर्फ स्क्रॉल करता रह जाता हूँ अपनी एनमी वेबसाइट को, जो मेरे को जिसका थम पोस्टर मुझे अच्छा लगता है, मैं सीधा वो डायरेक्ट एनमी उठा लेता हूँ। इस बार मैंने सोचा कि मैं थोड़ा गूगल में जाके एक अच्छी एनमी सर्च मार के देख लेता हूँ। तो शिकी एनमी उन्हीं में से एक थी। तो मैंने पहले तो मैंने इसकी जो स्टोरी पढ़ी, जो इसकी समरी थी कि वैम्पायर्स को लेके थी, तो मेरे को ये वैम्पायर से उतना भी डर नहीं लगता। वैम्पायर देख के मेरे को उतना कुछ डर नहीं लगता, पर मैंने सोचा कि एनमी इतनी अच्छी बताई जा रही है तो एक बार मैं देखूँ, और इसने मेरा पूरा माइंड उड़ा दिया। एंड एनमी बहुत अच्छी है, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि तुम भी ये एनमी देखो। बेस्ट एनमी, तुम बेस्ट हॉरर एनिमी में से एक है। तो देरी ना करते हुए एनमी रिव्यू शुरू करता हूँ। तो पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी प्लॉट की, स्टोरी में हो क्या रहा है। तो बेसिकली ये स्टोरी एक गांव की है, जहाँ पे छोटा सा गांव है, और हम इसको टाउन भी बोल सकते हैं, नहीं गांव भी बोलना बेस्ट होगा। एंड जिस गाँव के अंदर बूढ़े लोग ज़्यादा रहते, और गाँव में होता है ऐसा कि एक यूरोपियन स्टाइल में घर होता है, कैसल के जैसा वो घर होता है। वहाँ पे एक नई फैमिली कारेनामे नाम की एक फैमिली आ जाती है उधर रहने के लिए, और उस वहाँ पे जब वो रहने के लिए आ जाती है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें अजीब होने लगती है कि लोग मरते जा रहे होते हैं। अब ये जो मरने वाले उनमें कुछ चीज़ें कॉमन आती है, वो है एमेनिया, खून की कमी, उनमें शॉर्ट में कह रहा हूँ कि खून की कमी के कारण मरना। एंड जैसे उनकी रिपोर्ट आती है उनको खून की कमी है, 4 दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। एंड ये चीज़ जैसे डेथ बढ़ती जाती है, लोगों को लगता है ये शायद कोई एंड डॉक्टर ओजाकी, जो मेरे को फेवरेट लगा इस एनमी के अंदर, वो इसके ऊपर काम करता कि ये हो कैसे रहा है। एंड हमारे जो दूसरे कैरेक्टर है, जैसे जूनियर मोंक सिंशे, असल में वो भी असल में डेथ के लिए अटेंड करते, फ्यूनरल को जाके अटेंड करते एक मॉन्क होने के नाते, तो वो भी इसके अंदर ढूंढते। एंड कुछ और भी कैरेक्टर, कुछ साइड कैरेक्टर्स भी है, एंड वो भी इसके अंदर ढूंढते ये सब हो कह रहे हैं। तो कुछ एपिसोड के बाद हमें मालूम पड़ता है कि एक मरी हुई कैरेक्टर जो सबसे पहले मरती मैगुमी, वो दिख जाती है, जिससे ये चीज़ का अंदाज़ हो जाता है कि मरे वापस कैसे। बेसिकली इसके अंदर ये लोग वैम्पायर वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, इसके अंदर ये लोग वर्ड यूज़ करे ओकीगारी, जो वैम्पायर के जैसे ही रहते जो मरे हुए। और इतना जोम्बी भी नहीं है, जोम्बी के पास फीलिंग्स नहीं होती, ये इनके पास अभी भी फीलिंग्स है, पर ये धूप में आएगा तो मर जाएगा। एंड यहाँ से ये डेथ बढ़ती जाती है। एंड एपिसोड 10 तक डॉक्टर ओजाकी को भी इस चीज़ का एहसास, डॉक्टर ओजाकी और जूनियर सेंसे जो ज़्यादातर साथ में रहते, बचपन से साथ में पढ़े लिखे, तो वो लोग एक वैम्पायर को देख लेते, जिसके कारण समझ जाते कि गाँव में बहुत बड़ा एक किसी का असर हुआ, मतलब बहुत बड़ा कर्ज आ चुका है गांव के ऊपर, एंड इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। एंड ये फैमिली जो है
जो न्यू फैमिली आई जो यूरोपियन कैसल में रहने के लिए, वहाँ से सब कुछ शुरू हो रहा है। और एनमी के बाद धीरे धीरे एनमी इतनी पावरफुल बनती जाती कि गांव के अंदर वैम्पायर्स बढ़ती जा रहे। इनको कैसे रोका जाए ये भी तुम्हें देखना पड़ा कि इसके अंदर कुछ लोग हैं जिनको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे ओकी गाड़ी है, बट वो कोशिश करते लोगों को समझाने की एंड वो समझा भी नहीं पाते, गाँव के लोग यकीन भी नहीं करते कोई बार। और इसी तरह डॉक्टर ओजाकी भी ये चीज़ अच्छे से जानते हैं, पर वो ट्राई करता रहता है कि कैसे लोगों तक ये बात समझाए कि ओकी गाड़ी। और इसी को लेके ट्विस्ट होता है आगे तक कि आगे के एपिसोड में डॉक्टर ओजाकी कैसे लोगों के सामने इस बात को लाता है कि लोग ओकी गाड़ी, एंड वो बहुत ही बेस्ट तरीका होता है। एंड मेरे को लगता है डॉक्टर ओजाकी बहुत ही स्मार्ट कैरेक्टर है, पर इसके पीछे भी कोई डाउट है कि ये स्मार्टनेस इसकी थी कि नहीं, वो एनमी के ना बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन वाली चीज़ है कि ये स्मार्टनेस असल में डॉक्टर ओजाकी की थी या फिर किसी दूसरे कैरेक्टर ना सुनो। जो इस एनमी के अंदर एक और कैरेक्टर है किड, जो टीनेज है, वो भी असल में। और एनमी की जो सबसे सस्पेंस वाली बात है कि किसी भी कैरेक्टर का फिक्स नहीं है, मैं तुम्हें स्पॉइल नहीं करूँगा, पर बहुत सारे कैरेक्टर इसके अंदर वैम्पायर बन चुके और मर भी चुके हैं। और नहीं वाला एनमी के नाते कि मैं तुम्हें एनमी स्पॉइल नहीं करना चाहता, एनमी के अंदर कौन कब मरेगा ये भी मैं नहीं बताऊँगा, तुम देखते रहना कि क्या पता तुम्हारा भी सच कोई फेवरेट कैरेक्टर मर जाए। और एनिमी के अंदर हमें दो पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है, एक होता है डॉक्टर ओजाकी के, डॉक्टर का काम रहता है कि किसी को मरने से बचाना एंड उनकी जान को बचाने के लिए वो एकदम सही तरीके से लोगों को ठीक करे। एंड जो उसका रास्ता होता है ओके गाइस को ख़त्म करने का, वो एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिखाता है। एंड यही साइड हमें जूनियर मोंग का भी दिखाया जाता है, जो असल में एक मोंग के मोंग होने के नाते सबके उनको बराबर देखना पड़ता है, उनके भी कुछ विचार हमें दिखाए जाते हैं। एंड दोनों का रास्ता एकदम उल्टा होता है, डॉक्टर ओजाकी का रास्ता अलग होता है और जूनियर मोंग का रास्ता अलग होता है, जो इस एनिमी के अंदर दिखाया गया। थोड़ा मैं डीप में मैं नहीं जाना चाहता, और एनिमी मुझे बहुत अच्छी लगी। एनिमी के अंदर सबसे बेस्ट सीन तो मेरा वो लगा कि किस तरह इन वैम्पायर्स ने पूरे टाउन को अपना बना लिया। गवर्नमेंट ऑफिस की टाइमिंग पता क्या हो गई थी, सुबह की टाइमिंग होती गवर्नमेंट ऑफिस की टाइमिंग इन्होंने शाम के 7 बजे कर दी। एंड डॉक्टर ओजाकी भी हैरान हो गया कि 7 बजे के बाद क्यों जाए, जब उसने जाके देखा कि गवर्नमेंट ऑफिस में सारे ओकी गाड़ी ही काम कर रहे। एनमी के अंदर पूरा टाउन ओकी गाड़ी में ही कन्वर्ट होने वाला था। अभी एक अलग नज़रिया है कि डॉक्टर ओजाकी सबको कैसे चेंज करते हैं, क्या फिर डॉक्टर ओजाकी चेंज करता है, क्या फिर कोई दूसरा कैरेक्टर ना सुनो चेंज करता है, ना सुनो। ओके, तो ये था मेरा एनमी रिव्यू। एनमी तुम देखो, बिल्कुल बेकार नहीं लगेगी, मस्त एनमी है। धीरे धीरे जो होता है ना, इन्होंने अपना हॉरर बनाए रखा पूरे एपिसोड। एंड मेरे को इनकी एनमी की ओपनिंग, दोनों ओपनिंग मुझे अच्छी लगी एनमी की। तो बस इतना ही था एनमी रिव्यू। टाटा बाय बाय।